अरे अंजू, आती हूँ बाबा। क्यों लाउड स्पीकर की तरह चिल्ला रहे हो? मैं नहीं, तुम्हारा कुकर चिल्ला रहा, जाकर बंद करो। अगर तुम बंद कर दोगे तो क्या मर्दों की मूछें नीची हो जाएंगी? हाँ बिल्कुल, अगर औरतों का काम मर्द करना शुरू हो गए ना तो वो पाताल से भी नीचे गिर जाएंगे। अच्छा, बाथरूम में मर्दों की पीठ मले औरत, आधी पगार में पूरा महीना घर का खर्चा चलाए औरत, कर्जदारों की गालियाँ खाए औरत, और जरा कुकर बंद करने की बात आई तो ये औरत की बात है, ये मर्दों के काम है। व्हाट इज दिस? वाह, तुम तो राजधानी एक्सप्रेस की तरह चढ़ती ही जा रही हो। बंद करो अपना मुंह और चुपचाप कोने में पड़ी रहो, समझी? क्यों बंद करो? क्यों कोने में पड़ी रहूं? क्योंकि पसीना बहाकर नोट कमाना मर्दों का काम है, और सिर्फ माचिस जलाकर खाना पकाना और फटका मारना औरतों का काम है, समझी क्या? ए, देखो जी, अगर इस तरीके से मुझे गिराकर बात करोगे ना तो सारे घर के कामकाज तुम्हारे सर पे थोप दूंगी। बाप रे, क्या तेवर है! इसलिए कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़की के साथ कभी शादी मत करना। अरे ये तो बहुत मुश्किल हो गई। एक्सक्यूज मी प्लीज, हमारा नाम झुमरी है, आपकी नई नई पड़ोसन। कोनो डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? जी कहिए। अब का बताए? क्या बात है? का कहे, हमार नलवा में पानी नहीं आ रहा है। अरे अरे, कैसे आएगा पानी? पानी तो इधर 6 बजे आते हैं, 10 बजे चला भी जाते हैं। का फंटास्टिक, पर हमसे तो मकान मालिक वा कहते रहे कि 24 आवर पानी आवत है। अरे वो जाड़िया जिंदगी में कभी सच बोला ही नहीं है। हमेशा ऐसा झूठ बोल के वो किराएदार को फंसे थे, और बाद में 2-3 दिन में लेट हुआ ना किराए देने में तो ऐसे खुरपा पे ला के फेंक देते। इफ यू डोंट माइंड, हमका 2 ही घंटा पीने का पानी मिलेगा ना? क्यों नहीं मिलेगा? हाँ जरूर मिलेगा। थैंक। अर्ली मॉर्निंग आपको आपके हस्बैंड के साथ देखा, अच्छा लगा। मेड फॉर ईच अदर। आपकी लव मैरिज हुई है क्या? वो कहा है ना कि हम है बनारस के, हमार सजनवा है बिहार के। रोमांस किया ताजमहल माँ, लव मैरिज किया लखनऊ माँ, और पहुँच गए मुंबई माँ। है ना फंटास्टिक? अरारा, इसकी भी लव मैरिज है। ये दोनों है ना झगड़ा करते हैं, 2 मिनट में सुलह हो जाते हैं। अरे पति पत्नी का झगड़ा टंटा तो होता ही रहता है, इसमें भी एक स्पेशल फायर है, नशा है। आप लोगों की भी तो शादी हो गई है, आपको नहीं मालूम का? अभी हम लोग का तो ऐसा है ना कि ओ आवत है सजनवा, काहे होवत हो गरम। ये झुमरी नाम बड़ा सूट करता है आप पे। हाँ मस्त नाम है, है ना? वो का है ना कि हम हमेशा झूमते रहते हैं, इसलिए सजनवा ने बड़े प्यार से नाम रख दिया झुमरी। हाँ आप जाइए ना, पानी हम ले आएंगे। अच्छा ठीक है, मेनी थैंक्स। चलेगा चलेगा। हमरे उम्र के नौजवान खाना पकाना ओ दीवानो। डार्लिंग, हल्दी कहाँ रखी हो? वो लाल डब्बा में रखी है वहाँ। ओके। अरे ओ सजनवा। हाँ बोलो। हमारी पसंद का गाजर का हलवा बनाना मत भूलियो। अरे गाजर का हलवा? अरे हम तेरे लिए पालक का पनीर बना रहे हैं, वो भी मलाई मार के। ओ सजनवा, यू आर वेरी स्वीट। हम तनिक पानी लेकर आते। सुनो जल्दी आना, हमसे जुदाई बर्दाश्त नहीं होती है। दस हिले पटना हिले कलकत्ता हिले ला हो तोरे लचके जब कमरिया हाथ सारे। अरे ईका, हम आई के पानी ले लेते हैं। हाँ कोई बात नहीं, आप आए हम आए एक ही बात है झुमरी जी। मैं आओ अंदर इसे रखने को? अरे नहीं नहीं, तकलीफ नहीं करो, आप बैठो। हाँ आप बैठो। लगता है इसने अपने पति को अपनी उंगलियों पर रखा है। मैं तो ललिता पवार की तरह है ना, केरेप तो भाप सकती हूँ। मेरे हिसाब से है ना ये मेम साहब के नखरे बोते। ओ सजनवा, चाय जल्दी लाओ। आ गए हम लोग, अभी अभी आपकी तारीफ ही कर रहे थे। आपके घर में खाना आपके पति बनाते हैं? अरे नहीं नहीं, ये सब मूड पर डिपेंड है। हमारा मूड हो तो हम पका दे, वही का मूड हो तो वो पका दे। मर्द खाना बनाए, बहुत ताजुब की बात है। लाजमत ताजुब की कौन बात है? अरे पुराने जमाने में बैठी 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 पुराने जमाने में, नमस्कार, राजा महाराजा क्या खाना कौन पकाते थे? खान सफाई तो पकाते थे। और आज भी देखिए, ढाबे से लेकर 5 स्टार तक खाना कौन पकाता है? मर्द पकाता है। ए झुमरी, तोरे लिए विचार लाए। अरे फंटास्टिक, थैंक यू। अरे अरे क्या चाय बनाई आपने, बहुत बढ़िया है। अरे आप एंजॉय कीजिए, हमको तो औरतों से आशीर्वाद लेने में मजा आता है। क्या बताएं, सिर्फ चाय ही नहीं, हमरे सजनवा तो खाना भी ऐसा पकाते हैं कि खाने वाला खाने के साथ प्लेट भी खा जाए। अरे अरे फिर तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा। और गाजर का हलवा तो ऐसा बनाते हैं कि उंगलियां चाट जाए। और दुनिया की तो बात ही मत करो झुमरी। माना कि हमें थोड़े सजनवा
मगर इतनी तारीफ मत करो, लगता है करंट हुआ। देखिए हाँ। वैसे भी औरतों की सेवा करने में मर्द का है ना अपना स्वार्थ होता है, वो ऐसे है कि बेस्ट स्ट्रांग हो तो बिल्डिंग भी स्ट्रांग होती है ना। नहीं नहीं हाँ, अभी संसार जो है उसको औरत को चलाना है तो उसका स्ट्रांग होना ज्यादा जरूरी है ना, ऐसा हमारा फिलॉसफी है। बिल्कुल सही बोले आपने, ये जो अभी बिल्डिंग वाली बात बोली ने एकदम बराबर है। एक मिनट खाना चल रहा है हम इधर, एक मिनट और कुछ लेंगे आप लोग? नहीं बस इतने ही, मेरे बच्चे लोग ही खाएंगे। तो एक डब्बा घर पे भेज दे। नहीं 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 कुछ नहीं, बोले तो भेजते हैं बिस्किट का। बहुत किस्मत वाली हैं हम झुमरी जी।